आर्ट ये तो बहुत ही चंद पेंटर्स हैं और फोटोग्राफी है जो यहाँ आज डिस्प्ले, आज तो बहुत कम है, पर बहुत लोग ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया। आई थिंक 60% स्टॉल्स जो 80% नियरली इज सोल्ड आउट। तो यू विल सी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। जो भी यहाँ आर्टिस्ट मुझे मिले हैं उनसे बात करने में जो मज़ा आता है, बिकॉज एक आर्टिस्ट का थॉट जो है वो इंटरप्रेट करने के लिए सब लोगों को अलग लगता है। मेन चीज़ ये कि उसकी वैल्यू क्या है। आज हुसैन साहब आते थे घर में पेंटिंग करके, कभी तब्बू को दे दी, कभी किसी को दे दी, शबाना जी को दे दी, उनकी वैल्यू आज क्या है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि एक आर्टिस्ट को अपने टाइम में उनकी वैल्यू बढ़े, एंड आई थिंक वो हमारा टारगेट है। एंड मैंने देखा है बहुत सारे होटलों में हर रूम में ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी होती है, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी होती है, तो यू रियली वॉन्ट टू वॉच इट। एंड मेरे घर में भी मेरे डैड मॉम के टाइम पे, यानी एक आर के धवन जी ने हमारी पेंटिंग्स बनाई थी, जब भी हम उसको देखते हैं कैन वॉच इट फॉर आवर्स बिकॉज इट्स सो ब्रिलियंट। तो एनी आर्टिस्ट हुज ब्रिलियंट डिजर्व्स टू बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड मस्ट नो। एंड आई थिंक इंडियंस दे आर मोस्ट टैलेंटेड एंड दे आर वंडरफुल। मुझे तो एक फिगर सुना है मैंने, वो मैं डर गया हूँ कि इतने आर्टिस्ट इंडिया में, कि आई कैन नॉट बिलीव इट कि सच्ची इतने आर्टिस्ट हैं। बट एब्सोल्युटली जब मेरी बेटी आर्टिस्ट है, पूजा आर्टिस्ट है, तो आई थिंक वाकई 3 करोड़ आर्टिस्ट इंडिया के अंदर हैं। तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। एंड हमारे यहाँ इतने नहीं होंगे, हमारे यहाँ टॉप के आर्टिस्ट होंगे एट दिस एग्जीबिशन, बट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल 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 हॉबी विच टर्न्स इन टू मनी मेकिंग एंड विच विल ग्रो अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन। छः महीने से लगी है ज्योति जी, अब समझाएं ज्योति जी। 6 महीने पहले मुझे बोलती है नवंबर में होगी एग्जीबिशन, मैं कहा अभी क्यों आ गए हो, बोला बहुत काम है, और तब से काम रोज कर रहे हैं। वेल डन। तो बताइए ज्योति जी, आई थिंक शी इज़ वर्क रियल हार्ड, शी नोज द मोस्ट। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो विजन है वो सिर्फ कुछ शहरों से लिमिटेड नहीं है, हमें इंडिया के हर कॉर्नर से आर्टिस्ट को कलेक्ट को चुन चुन कर लाना है, ताकि वो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो इसके लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स करने की ज़रूरत है। अभी भी जैसे हमने देखा, हमने मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर कहा, तो अभी भी हमारा वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन जो है वो अभी भी अनटच है, और जबकि वहाँ पे भी बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है। तो हमें ऑब्वियसली ऐसा लगा कि हमारे साथ में एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होना चाहिए, जो हार्ट से भी स्ट्रांग हो, और शायद नहीं यार, मेन चीज़ क्या है, आर्टिस्ट स्ट्रांग है, तो हमें दोनों सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो बिल्कुल, जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बाहर बैठा है, किधर जयपुर में बैठा है, उदयपुर में बैठा है, किधर भी बैठा है, एंड ही इज़ नाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में होगा कि ये एग्जीबिशन होगी नहीं होगी, अच्छी तरह होगी, मेरी चीज़ें जो मैं पूरा मुंबई तक लाऊंगा तो वो बिकेंगी। उनका ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इनको पूरा ट्राई एंड टेस्ट करके एक एक चीज़ इनकी सुन के फिर अपना नाम दिया, क्योंकि एक आध बार हमें भी झटका लगा है लाइफ में, तो कभी वापस झटका बुरा ना लगे। इसीलिए मैं श्योर हूँ दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह, बेहतरीन तरीके से जो जो मुझे बोला आज मुझे वो दिखा है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जस्ट टू लेट एवरीबडी नो दैट दे कैन कम हियर, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दे विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फॉर लिविंग अप टू माय ट्रस्ट। एंड क्राइटेरिया क्या होगा, जो आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, क्या क्राइटेरिया होगी आपकी, किस तरह से सिलेक्ट हुए आर्टिस्ट के? हम ऐसे कोई बेसिक क्राइटेरिया हम रख नहीं रहे हैं। आर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, काम मेहनत दिखनी चाहिए उसके अंदर, उसने कितना समय दिया है अपने प्रोफेशन को, इस प्रोफेशन के लिए वो भी यहाँ इनवाइटेड है। जिसने अभी शुरू किया है लेकिन फिर भी उसका काम बहुत अच्छा है, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। जो एज अ हॉबी करता है लेकिन उसने कोई डिग्री नहीं ली है लेकिन उसका काम बहुत सुंदर है, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। कोई बच्चा है जो बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है कि बड़े को फेल कर दे, वो भी यहाँ इनवाइटेड है। इवन डॉक्टर, शी इज आल्सो इनवाइटेड, ये यू विल बी इन द सेलिब्रिटी कैटेगरी। डॉक्टर्स, हमारा एक पूरा डॉक्टर्स का ग्रुप है,
जो सिर्फ बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और एज अ हॉबी वो पेंटिंग करते हैं, उनका पूरा एक अलग सेक्शन है जहाँ पे हमने उनको रखा हुआ है, वो डॉक्टर्स वहाँ पे होंगे, तो सभी इनवाइटेड है। आप अगर आर्ट में इंटरेस्टेड हो, आप आर्ट अच्छा बनाते हो, आप इनवाइटेड हो हमारे एग्जीबिशन में आने के लिए, और आप पसंद करते हो तो आप इनवाइटेड हो हमारे एग्जीबिशन को देखने के लिए। पूजा जी, आप जितनी खूबसूरत पेंटिंग दिख रहे हो, उससे ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं आप। इतनी सारी जो लगे ऊपर, कौन सी जो दिन में आके आपको छू गया इतनी सारी? अभी जो पेंटिंग जी, एक तो मुझे वो फोटोग्राफ बहुत अच्छी लगी, टाइगर की। आशुतोष शिंदे ने जो फोटो ली है एट रणथंबोर, अमेजिंग, एक आंख दिख रही है शेर की, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। मुझे ये रेजिन वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। एवरीथिंग, और भी कुछ पेंटिंग्स ऐड होती जा रही हैं, और भी, लुक एट दैट ब्यूटीफुल हॉर्स, इज वंडरफुल, ऑल मल्टी टैलेंटेड। यहाँ बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो आए हैं आज, तो दे ऑल वंडरफुल। इवन दैट ट्री ऑफ लाइफ, yeah, I think it is a tree of life, it is a different, it's imagination earth, it's like happiness coming out, yeah, oozing out from many things, yeah, many, yeah, things. So I love art, and main keh sakti hu main Bindu ki tarah ek art aficionado hu, to jab inhone mujhe bulaya to ek second mein done. I think inko bhi pata hai ki mujhe art achhi lagti hai, to inhone tabhi mujhe bulaya shayad. Ye sangat ka asar hai. So I love Tanjores also, और मैं खुद भी paint करती हूँ, हालाँकि मैं अभी acrylic पे करती हूँ, acrylic से करती हूँ, पहले oil से करती थी on canvas, and I just do it for fun. जुड़ना चाहे बाकी आम common आदमी जुड़ना चाहे जी, किस तरह का जुड़ा जाएगा आपको? वही मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं अगर अपनी पेंटिंग, यू आर ऑन, आपकी पेंटिंग है, भाई से भी बात करता है सलमान से, उससे भी पूछते, मेरी बेटी को भी डालेगी, दिस इज सेलिब्रिटी सेक्शन, सलमान की पेंटिंग है मेरे पास एक। अरे उसको पूछना पड़ेगा, उसका साइन लेना पड़ेगा कि यस यू कैन पुट दिस फॉर सेल और नॉट, ऐसे है, बहुत लीगैलिटीज होती है पेंटिंग्स में। आज हुसैन साहब ने अगर आपको प्रेजेंट दी है पेंटिंग, यू कैन नॉट गो एंड सेल इट, यू नीड परमिशन फ्रॉम हिज फैमिली, बहुत लीगल सिस्टम है, उसी लिए सीए लीगल वीगल सब चाहिए। और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है ज्योति जी ने, वो बहुत ही मैसिव स्केल पे है, आई डोंट थिंक ऐसा कभी हुआ है, नॉट दैट। और आर्टिस्ट को जैसे ये चाहते हैं कि रिकग्निशन मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो पेंटिंग्स बेच सके, कुछ पैसा बना सके, आई थिंक दैट्स ग्रेट, यू नो एवरीबॉडी नीड्स दैट प्लेटफॉर्म। मैम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बोला कि इंडिया में थाउजेंड ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इसमें अपने करियर देखते हैं, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनकी फैमिली अलाउड नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो थॉट चेंज कर रहे हैं, तुरंत हमें कोई मनी नहीं मिलती, राइट, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो सभी की होती है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है और ये आपका कि आपके अंदर वो टैलेंट है, तो उसे छोड़िए नहीं, कहीं ना कहीं शायद वो कहीं हिट कर जाए और आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जहाँ से आपका प्रोफेशन आगे ग्रो हो जाए, तो इसे पैरेलली मेंटेन रखें, ना कि छोड़ दे कि नहीं इसमें कुछ नहीं आ रहा है, उसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, जो इंडिया के टॉप आज के ज़माने में पेंटर्स हैं वो पुअर घरों से बहुत सारे आए हुए हैं, तो आज वो उनकी पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई है और काफ़ी अच्छी हो गई है, पर उनका एकदम एंड आ रहा है एज का, तो ये ज़रा फास्टर आ जाए सिस्टम, इसके लिए द हार्ट ऑफ आर्ट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्लेटफॉर्म, के स्पीड से उनकी प्रोग्रेस हो, नॉट व्हेन दे डेड एंड व्हेन दे डाइंग एंड व्हेन दे टर्न्ड ब्लाइंड, वो सब सिस्टम चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी ये इवेंट के थ्रू आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया होगा कि ओके आर्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आर्ट खरीदते वक्त पूछा जाए कि ये करे कि ऑथेंटिकेट है या नहीं है, तो जब आप एज अ ऑडियंस डिमांड करना शुरू करेंगे तो सप्लाई का हमें भी करना पड़ेगा, तो और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हर कॉर्नर से आर्टिस्ट जो है उसको कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। पैसे को लेकर मेरा एक और सवाल है जी, जो सेल करने वाली बात आती है, अगर आर्टिस्ट अगर मैं हूँ तो ये पैसा कौन सेट करेगा कि मैं करूँगा कि आप करेंगे? आर्टिस्ट डिसाइड करता है उसके समय के हिसाब से, उसे कितना टाइम लगा है, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं किसी भी पेंटिंग को डिफाइन करने में कि वो कितने प्राइस की हो सकती है। जैसे जैसे आर्टिस्ट फेमस होता है उसका एक प्राइस होता है, वो प्राइस बढ़ते जाता है, नीचे तो जाएगा नहीं, कभी भी बढ़ते जाएगा, तो हमारा ये काम है कि उसका प्राइस भी बढ़ना चाहिए, उसे उसकी प्राइस वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं, नवे नवे हो रहे हैं, उनका तो प्राइस बहुत लो है,
लेकिन जो आर्टिस्ट ऑलरेडी ये पेंटिंग्स बना रहे हैं, इनके प्राइस ऑलरेडी दिख रहे हैं कि बढ़ चुके हैं। आज वो 50,000 की जो पेंटिंग वो दिख रही है, आई थिंक इवन आई वुड लाइक टू बाय इट, अंडरस्टैंड। तो वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उसकी वैल्यू 1 लाख होगी, आगे चल के 2, 3, 4 बढ़ती जाएगी। एक और सवाल है, जो आर्टिस्ट जो होते हैं वो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उनके पास स्टोर करने की जगह नहीं होती। मैंने सुना कि आप बता रहे हैं कि आपके पास स्टोर करने की जगह, तो इस तरह के कुछ आप मूवी कराएंगे स्टोर करने के लिए? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन बनाएंगे ताकि आर्ट जो है एक पर्टिकुलर तरीके से अच्छे तरह जिस जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो सालों सालों तक संभाली जा सके, उस स्टाइल में ही आर्ट को हम स्टोर किया जाएगा। मोस्टली क्या होता है कि आर्टिस्ट जब ट्रैवल करता है, जैसे वो मुंबई में आता है, एक एग्जीबिशन करता है और वापस चला जाता है, तो उसे वापस अपनी पेंटिंग को लेकर जाना पड़ता है। अकेले नहीं, और भी बहुत सारी एग्जीबिशंस होती है, तो वो उसके लिए फिर से उसे लेकर आए, वो लॉजिस्टिक इंक्रीज होगी। तो हमारे स्टोरेज सेक्शन में वो आर्ट को रख कर जा सकता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल में उसको स्टोर किया जाएगा। सेकेंडली, इसमें ऐसा भी होगा कि जनरली भी लोगों को पता होगा कि हमारे पास में 20,000 कलेक्शन है, हमारे स्टोरेज में 10,000 कलेक्शन है, 20,000 कलेक्शन है। तो अगर किसी को आर्ट की ज़रूरत होगी तो बहुत इमीडिएट हमारे पास में आएगा, और आर्टिस्ट को ना मुंबई ट्रैवल किए भी यहाँ बैठे बैठे उसका पेंटिंग सेल हो सकता है। लास्टली मेरा एक और सवाल है, ये जानना चाहूँगा कि आपने लाइव की बात की थी जी, अगर अब जैसे कि अभी मुंबई में हो रही है, नेस्को में हो रही है, मेरा आर्ट जो आर्ट मैंने घर में लगाया या कहीं लगाया, वो उस तरह भी इसको दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? अगर मेरे घर पे है तो वो लाइव वहाँ से होगा? नहीं, वो हमारे पोर्टल पे आ सकता है, ऑनलाइन पोर्टल पे आ सकता है, वहाँ नहीं, नेस्को में नहीं दिखाया जाएगा। मुकेश जी, तो ये वाले मुकेश जी है, वो वाले मुकेश जी? हाँ, अच्छा, ऋषि जी तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, जितनी भी बातें इतनी उन्होंने की है सब मुझे पता है। मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं एज अ गेस्ट, और बहुत सारे लोगों से मेरी बातें हुई थी, वो सारी पूरी स्टोरी उन्होंने सुना दी है जो और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे चाहे एक्टर हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, कोई भी हो, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, वो बड़ा प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म पे एक नया आदमी आते ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग हैं। तो नेचुरली जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जिनको ये भी मालूम है कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए, क्या लाइक है कि नहीं इनके पोर्टल पे आ सके, वो तो इनको नॉलेज होगी, या कई बार आप रिजेक्ट करके सामने वाले को भी इंकरेज कर सकते हो, उसको बेटर करके लाओ, यू आर कैपेबल इनफ, बट स्टिल आप और बेटर करो। तो ये जो माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं बहुत बहुत मुझे भी नॉलेज है इस चीज की। ये जब आप अपना कोई भी चीज पेंटिंग जब इनको देंगे तो पेंटिंग इनके पास रहेगी, इसलिए तो स्टोर बना रहे हो, और स्टोर इसलिए बनाएगा और साइन होगा, वो उसको दूसरी को ऐसी बना के बेच नहीं सकता, ये इसलिए लीगल काम आ गया, लीगल टीम हमारी इसलिए तो ऐसा नहीं, मैं 3 कॉपी बना के ऐसा नहीं हुआ। इसलिए पेंटिंग की सबसे बड़ी कदर क्यों होती है, क्योंकि एक ही पीस बनता है, और कभी भी रेप्लिका बन नहीं सकता, जब भी उसका डुप्लीकेट बनेगा तो वो ऑथेंटिकेशन आराम से पता चल जाता है कि ये हुसैन है या उसका डुप्लीकेट है। हैदराबाद में बहुत लोग बैठे हैं जो बना रहे हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन आप फिर से पूछिए, मैं भूल गई। आपकी आइडिया कब आपको ऐसा लगा कि इसके साथ में जुड़ना चाहिए था आर्ट ऑफ आर्ट के साथ? अभी ये आर्टिस्ट है, जो बोल रहे थे और वो मैं वहाँ देखी जा रही थी, और वो बोल रहे थे कि कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो मैंने इनका जब टॉक खत्म हुआ मैंने इनको बोला मैं भी आ सकती हूँ क्या? पक्का आएंगी आप? तो जैसे कि हमने आपको देखा है फिल्मों में, आपने जैसे कहा कि मैं पेंटिंग करती हूँ, तो क्या बचपन से शौक था पेंटिंग करने का? क्या मैंने पेंटिंग क्लासेस बचपन में समर हॉलीडेज में ली थी, आई यूज टू डू ऑयल ऑन यू नो ऑन कैनवस, अब मैंने एक्रिलिक कर दिया है बिकॉज दे आर मोर वाइब्रेंट कलर्स। ऑयल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और सूखना एंड यू नो ऑल दैट इज अ लॉट ऑफ पेन, एंड आई लव रेजिन, आई लव रेजिन वर्क। सो मैं और मेरी फ्रेंड है तंजील मलिक, हम आर्टिफैक्ट्स में जा रहे हैं खुद
तो यू नो यू विल सी म्यूरल्स, यू विल सी यू नो दैट इज आल्सो देयर पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन. इट इज, यस इट इज, एब्सोल्युटली. या सो यू कैन बी देयर. सो मैं, आई लव यू नो डेकोर एंड डेकोरेटिंग एंड प्लांटर्स एंड स्टैचूज एंड ऑल दैट. सो लेट्स सी. सचिन मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आपने बॉलीवुड खुद एक आर्ट है, तो इसकी तरफ झुकने का स्वभाव सबका ही होता है. और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, जिसको कि हम बहुत सदियों से इसको देखते आ रहे हैं किसी न किसी रूप में. उसके रूप बदलते गए, लेकिन जो रियलिटी है वो ख़त्म नहीं हुई. उसकी पेंटिंग के जो अंदाज हैं वो बदलते गए. जैसे हम लोग एक्टर्स हैं और एक्टर्स रूप निभाते हैं अलग अलग, एक कभी कोई कैरेक्टर करते हैं, कभी कोई कैरेक्टर करते हैं, बट वो इंसान नहीं बदलता, पर उसकी जो स्टैचू है उसका जो एक अंदाज है वो बदलता है सर. इसी तरह ये पहले भी होता रहा है और आज ये कहीं थोड़ा सा लुप्त हो गया था, तो अगर वापस अगर ये अच्छे रूप में सामने आता है तो बहुत ज़रूरी है. या पेंटर हो, वो दिमाग से नहीं चलता, वो दिल से चलता है. आर्ट हमेशा दिल से ही बनती है, मेरा ऐसा मानना है. तो जैसा कि नाम आपने रखा है भाई साहब बिंदु जी, काफी बेहतरीन नाम है और लोगों को आगे इसमें चांस मिलेगा. जैसे कि बताया कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इस माध्यम से उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस मिलेगा. एब्सोल्युटली. और जिनके ऑलरेडी जो आर्टिस्ट जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो इनका भी एग्जीबिशन में और नाम करना, ताकि दुनिया इन्हें अपने नाम से जाने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. किसी की पेंटिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 2 लाख होगी, उसी की 5 लाख होगी, एब्सोल्युटली 10 लाख होगी, उसी की 2 करोड़ होगी, 4 करोड़, बिल्कुल ऐसे ही चलता है. एक एक शब्द में जानना चाहेंगे आप सभी से सर, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने. देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कला का बाजार, हार्ट ऑफ आर्ट, तो कला के बाजार में सबसे बड़ी जो छोटे शहर से थे मेरे जैसे लोग, जो हम तो अपने एक्टिंग लाइन में आए, लेकिन जो आर्टिस्ट लोग हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहाँ जाएं. अभी किसी ने सवाल किया था कि उनके घर वाले शायद आते नहीं बोल रहा. हाँ जी, हाँ जी. तो जब ऐसी मार्केट मिलेगी तो शायद घर वाले अपने आप ही उनको बोलेंगे कि आप कीजिए, क्योंकि हम भी कभी आए थे, हमें मालूम नहीं था, 20 साल लग गए शायद समझने में. तो ये वो प्लेटफॉर्म है कि शायद उस बंदे को 20 दिन लगेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बेचना है और मुझे किस तरह से अपना समय करना है. तो ये इसके लिए मैं तो अपना सौभाग्य आज समझ रहा हूँ कि मैं आज यहाँ इनका हिस्सा बना, कि नए टैलेंट को मौका मिलेगा और उनको बायर मिलेंगे और उनकी वैल्यू बढ़ेगी. Scientific and all, because I am an IT person. I do study a lot, and human brain is most complex thing or object. Anything, you know, you frame it as object or anything, it's the most complex part in the world. So, itna research hota hai human brains pe, but still we, you know, we discover something every day, like every day. अगर ह्यूमन ब्रेन को पोर्ट्रे करो इन अ फॉर्म ऑफ अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, हाउ विल पोर्ट्रे थिंग, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. एंड दैट इज़ व्हाई व्हाट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैनॉट पोर्ट्रे अ ह्यूमन ब्रेन, यू कैनॉट पोर्ट्रे द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. सो आई थिंक, आई मीन ब्रिलियंट, इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव. इम्पॉर्टेंटली आप इंडिया में इतने टैलेंट हैं, you go into those talent landscape and try to find people, it's very difficult to find even, because itne chupe chupe talent hai or you don't know about it. It's very important globally unko aisa platform diya jaye, such that they come out, they show their talent, and obviously I think it will be the most like it was something that was written in the presentation, like a celebration of art. So yeah, it will be a celebration of art. Thank you. आर्ट एक ऐसा एग्जीबिशन है कि वो सिर्फ एक कला होती है, कि जो इंसान सिर्फ उसको आर्ट से ही फॉर्म कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता उसको आर्ट, कोई भी नहीं कर सकता. वो एक ब्लड में ही होता है आर्ट, और सब आर्टिस्ट नहीं बन सकते यहाँ पे. पर जब आर्टिस्ट को हम एक मौका देते हैं उनका आर्ट
एक्सपोज करने के लिए, हर एक आर्टिस्ट बाहर नहीं आता उनके घर से, पर हम लोग ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है हर एक आर्टिस्ट को कि हर एक कोई भी कला हो कि उनकी कला छुपनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ने उनको एक मौका दिया है कि हम लोग उनके लिए जितना हो सके बेहतर से बेहतर उनके लिए कर रहे हैं कि जो कि वो भी सेटिस्फाइड हो, उनकी जो वैल्यू है वो भी पूरे आम सबको पता चले, इसलिए हम लोग ये जो हार्ट ऑफ आर्ट जो इवेंट है सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं, और जो विजिटर्स है एक्सेप्ट वो भी सेटिस्फाइड हो इस चीज़ के वास्ते। थैंक यू, इतना ही मैं कहूँ। सबसे पहले बिंदु दारा सिंह जी को और मैडम गुप्ता जी को और मुकेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे कम से कम दो शब्द रखने के लिए आप लोग के साथ बुलाएं। मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैडम की तरफ से और एक रिक्वेस्ट आपके तरफ से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी है तो मेरे लायक कुछ बचा नहीं। मैं सिर्फ एक ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैं खुद मैं एक डायरेक्टर हूँ और फिल्में फिल्म डायरेक्ट किया मैंने और फिल्में करता हूँ, फिल्म के बारे में जानता हूँ। जिस तरह मैम पूजा जी, ऋषि जी और बिंदु जी हैं और मैम है जो एक्टिंग के दुनिया से हम लोग हैं, मैंने ये महसूस किया है कि वाकई में रियल टैलेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैंने महसूस किया है एक्टिंग के जो अपना विधा है उसमें। मैं मैम से बोलूँगा कि एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मिथिलांचल में बिहार में बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, वहाँ पे बहुत बड़ी एक कस्बा है, एक इलाका है जहाँ विश्व विख्यात। बिल्कुल, मैं चाहूँगा वहाँ जोड़ना और चाहूँ कि पटना या फिर वहाँ नियर और इस शहर में शामिल करें। मैंने पहले कहा कि अभी भी मेरा ईस्ट सेक्शन जो है वो हमारा जो है वो अभी भी पेंडिंग है जो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर सुदूर जो गांव में बसे हुए हैं ना, एक्चुअली आपका जो इतना मन इतना पवित्र है कि रियल टैलेंट को वाकई में आप एक प्लेटफॉर्म मिलाना चाह रहे हैं, ये बहुत कम लोग सोचते हैं, सोचते पैसे के लिए। एक रिक्वेस्ट इनसे कर लिया मैंने और मैम हो सकते हैं मान भी जाएंगे। दूसरा ये है कि क्वेश्चन आपके ऊपर है, आप उनको एक इंकलाब दीजिए, एक परिवर्तन, एक मतलब स्टेज एक क्वेश्चन दीजिए कि जुड़ो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के डेट में आप लोग सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, हम लोग कुछ नहीं। आप उन सब मोबाइल में, टीवी में और लैपटॉप में पहुंच जाते हैं, तो उनको एक क्वेश्चन, उनको एक कहीं ना कहीं आमंत्रण दीजिए कि ताकि इनका काम आसान हो जाए, ताकि रियल टैलेंट इनसे जुड़ सके। और इनका जो मकसद है वो सिर्फ पैसे से नहीं, रियल टैलेंट वाकई में उनका मिले, स्टेज मिले और एक उनका कहीं ना कहीं अपना एक नाम मिले और अपना टैलेंट दिखा के जो भी है अपना पा सके। तो बाकी इनका जो मकसद है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना कि ये कामयाब बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत ही शुद्ध दिल से।